देख सकते हैं मेरे पीछे ये काफी भव्य पंडाल बना हुआ है। ये हमारा इंदिरा नगर रविंद्र पल्ली दुर्गा पूजा पार्क में ये जो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा पंडाल को देखने, और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लखनऊ में जितने भी दुर्गा पूजा के पंडाल बने हुए सभी पंडाल आपको एक एक करके दिखाऊंगा। और गाइज, मैं बता दूं कि ये जितने भी यहाँ पे पंडाल बने हैं लखनऊ में काफ़ी अच्छे पंडाल बने हुए हैं। तो गाइज, सबसे पहले हम चलेंगे अभी गोमती नगर एक्सटेंशन में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आ गए हैं गोमती नगर एक्सटेंशन में, और यहाँ पे हमारा एक दुर्गा पूजा पंडाल बना हुआ है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं गाइस, ये हमारा गोमती नगर एक्सटेंशन शहीद पथ के पास ही ये पंडाल बना हुआ है। तो गाइस, मैं आपको पूरा जो यहाँ का जो पंडाल है पूरा आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ, और यहाँ का लोकेशन दिखाता हूँ, और यहाँ पर कैसे आप आ सकते हैं पूरा इस वीडियो में आपको बताऊँगा। ये हमारा पंडाल और ये गोमती नगर एक्सटेंशन विस्तार में बना हुआ है, और ये इसका मेन गेट ये देखिए आप सामने, और अंदर पंडाल बना हुआ है। देखते हैं अभी यहाँ पे थोड़ा लखनऊ में डेंगू का प्रकोप ज़्यादा हो रखा है, इस कारण आप देख सकते हैं यहाँ पूरा छिड़काव वगैरह किया जा रहा है। अभी हम आ गए हैं पंडाल के अंदर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये काफ़ी भव्य पंडाल बना हुआ है यहाँ पे। और गाइस, मैं बता दूँ कि ये जो पंडाल बना हुआ है काफ़ी अच्छा बना हुआ है, और ये जो हमारा CMS स्कूल है, CMS स्कूल के ग्राउंड में ये पंडाल बना हुआ है। और यहाँ पर जो प्रोग्राम होना है ये कल 20 तारीख को यहाँ पे शाम 7 बजे से यहाँ प्रोग्राम होना है। 7 बजे यहाँ पे आरती शुरू होगा, और उसके बाद यहाँ पे डांडिया वगैरह सब कुछ प्रोग्राम वगैरह होना है। तो गाइस, आप लोकेशन की बात करें यहाँ पे, तो आप सामने देख सकते हैं ये हमारा CMS स्कूल, और ठीक CMS स्कूल के ग्राउंड में बना हुआ है। और इधर आप गाइस देख सकते हैं ये पूरा हमारा जो स्टॉल वगैरह लगे हैं यहाँ पे इस दुर्गा पूजा ग्राउंड में, और इस तरफ जो ये पंडाल लगे हुए यहाँ पूरा आपको खाने पीने का पूरा सामान आपको लगेगा। ये देखिए पूरा जो ये पंडाल है स्टॉल है, यहाँ पूरा आपको खाने पीने का जो भी सामान है इस तरफ आपको मिल जाएगा। और ये हमारा जो आप देख सकते हैं ये हमारा मेन गेट, और इस तरफ आपको पूरा जितना भी सामान वगैरह जो बिकेंगे वो पूरे इस स्टॉल में बिकेंगे। और सामने का आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा भव्य पंडाल, और अभी यहाँ पे धुआं वगैरह सब कुछ छिड़काव किया जा रहा है मच्छरों को भगाने के लिए। ये देखिए गाइस, आप देख सकते हैं बहुत ही भव्य पंडाल बना हुआ है यहाँ पर भी, और यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा फर्स्ट पंडाल जो कि गोमती नगर एक्सटेंशन बना है, और ये है गाइस कुछ ऐसा है अंदर पंडाल के अंदर का। और अभी कल से पूजा स्टार्ट है, तो अभी पर्दा वगैरह लगाया है अभी दुर्गा माता के बाहर अभी, और आप देख सकते हैं काफ़ी भव्य बना हुआ है। जो थोड़ा बहुत काम अभी यहाँ बचा हुआ है वो अभी काम पूरा किया जा रहा है रात में आज, और कल से हमारा 7 बजे कल सुबह यहाँ आरती है, और यहाँ पे डेली 8 बजे से यहाँ डांडिया भी होगा। सो गाइस, अभी चलते हैं हम अभी दूसरे दुर्गा पूजा पंडाल की तरफ, और जो दूसरा हमारा पंडाल है वो हमारा रविंद्र पल्ली इंदिरा नगर में बना हुआ है। सो गाइस, यहाँ से मात्र 4.5 या 5 किलोमीटर होगा। और गाइस, अभी हम आ गए हैं रविंद्र पल्ली इंदिरा नगर में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे आपको ये बहुत ही सुंदर आपको ये पंडाल देखने को मिलेगा। तो गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का पूरा जो पंडाल बना हुआ है इंदिरा नगर रविंद्र पल्ली में, और ये जो पंडाल बनाया गया है ये रविंद्र पल्ली दुर्गा पूजा समिति के द्वारा ये पंडाल बनाया गया है। देख सकते हैं ये हमारा इंदिरा नगर रविंद्र पल्ली दुर्गा पूजा पार्क में ये जो पंडाल बना है काफी अच्छा पंडाल बना है, और आप देख सकते हैं गाइस पूरा ये।
और अभी यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, इसके बाद फिर आरती वगैरह होगा। जो हमारा विधानसभा है उसका सेम डुप्लीकेट कॉपी बना हुआ है, सेम उसी के थीम पे बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप। तो गाइस आप देख सकते हैं, ये था हमारा इंदिरा नगर रविंद्रपल्ली में हमारा जो दूसरा दुर्गा पूजा पंडाल, और आपको अच्छा भी लगा होगा काफ़ी है। सो गाइस अभी चलते हैं तीसरे पंडाल की तरफ, और मैं तीसरा पंडाल जो हमारा है ये हमारा जानकीपुरम में है। सो चलते हैं जानकीपुरम और वहाँ मैं आपको तीसरा पंडाल दिखाता हूँ। और गाइस अभी हम आ गए हैं जानकीपुरम सेक्टर एफ में, और यहाँ पर बना है दुनिया का सबसे बड़ा जो पंडाल दुर्गा पूजा पंडाल। और देख सकते हैं यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्राउड हो रखी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं है, और बाहर ये सब दुकानें वगैरह भी सब कुछ लग रखा है। और गाइस देख सकते हैं सामने आप, ये झूला वगैरह भी अंदर ही लग रखा है, और ये देखिए यहाँ पे भीड़ कितनी लग रखी है यहाँ पे गाइस। ये देखिए गाइस यहाँ का जो पंडाल है कितना भव्य पंडाल यहाँ पे बना हुआ है, और पूरा जो ग्राउंड है पूरा का पूरा एकदम खचा खच भरा हुआ है। ये ग्राउंड पैर रखने तक की जगह नहीं है यहाँ पे। और ये गाइस आप देख सकते हैं ये ग्राउंड के अंदर ही आपका पंडाल के साइडों में ये अपना स्टॉल वगैरह लगे हैं खाने पीने के, सब कुछ यहाँ पे आपको हर प्रकार का खाना वगैरह भी सब कुछ मिल जाएगा। और गाइस बता दूँ ये जो पंडाल है करीब करीब 120 फीट ऊँचा यहाँ पंडाल बनाया गया है, और 47,000 स्क्वायर फीट में पूरे एरिया में इस पंडाल को बनाया गया है। और देख सकते हैं यहाँ पे आप कितना ज़्यादा क्राउड है यहाँ। गाइस ये था हमारा जानकीपुरम सेक्टर एफ में जो प्रेम मंदिर के ऊपर बनाया गया है पूरा ये पंडाल, और ये था हमारा तीसरा पंडाल मैंने आपको दिखाया। और अभी अब चलते हैं चौथे पंडाल की तरफ जो कि हमारा जानकीपुरम में ही सारा स्टेट में बना हुआ है। और यहाँ से जो पंडाल की जो सारा स्टेट की दूरी है मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पर। और अभी हम पहुँच चुके हैं जानकीपुरम सारा स्टेट दुर्गा पूजा मैदान में, और आप देख सकते हैं ये हमारा एंट्री गेट
बहुत ही खूबसूरत बनाया गया। और ये यहाँ का बाहर का पूरा एरिया देख सकते हैं आप। और गाइस देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। और यहाँ पे भी डांस वगैरह का प्रोग्राम वगैरह सब चल रहा है, डांडिया वगैरह। और ये पंडाल जो है बनाया गया है, ये हमारा भिखुर मंदिर जो है उसके ऊपर थीम के ऊपर बनाया गया है ये पंडाल। और इस तरफ गाइस आप देख सकते हैं ये हमारे पूरे स्टॉल वगैरह सब कुछ बनाए गए हैं। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टेज बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह सब कुछ होते रहते हैं। और यहाँ पे गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लेडीज और जो औरतें वगैरह हैं सब कुछ उनका डांस और डांडिया प्रोग्राम वगैरह सब कुछ चल रहा है। तो गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पे ये सारा स्टेट में काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है यहाँ दुर्गा पूजा का। और इस तरफ गाइस आपको बच्चे और बड़े सबको यहाँ पे झूला वगैरह भी यहाँ पे लगाया गया है, काफ़ी अच्छा झूला लगाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप झूले का भी आनंद वगैरह ले सकते हैं, देख सकते हैं आप कितने काफ़ी अच्छे झूले लगे हैं यहाँ पे। सो गाइस ये था हमारा लखनऊ के टॉप 4 पूजा के जो पंडाल और काफ़ी खूबसूरत और यूनिक बनाए गए हैं। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, राम राम।